नमस्कार, मैं निवेदिता। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो खुद को पाक साफ बताता है और पूरी दुनिया उसके लिए बुरी हो सकती है और खासकर भारत तो उसका दुश्मन है ही, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें पाक वाली लगती नहीं। ऐसा लगता नहीं कि उसकी किसी भी हरकत के पीछे कोई पवित्र या फिर कोई अच्छी मंशा हो सकती है, क्योंकि असल में पाकिस्तान और पवित्र जैसे शब्द एक साथ लिए ही नहीं जा सकते। अब हाल ही में देखिए, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला तो भारत की जासूसी ही कराने लगा, वो भी किसी पाकिस्तानी नागरिक से नहीं बल्कि श्रीलंकाई नागरिक से, क्योंकि खुद को पकड़े जाने का डर जो पाकिस्तान के अंदर होगा, कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि भारत को अब कोई भी ऐरा गैरा चोट नहीं पहुंचा सकता। और अगर ऐसा होता है तो भारत उसे माकूल जवाब भी देगा, जैसे अभी पाकिस्तान के इशारे पर एक श्रीलंकाई भारत की जासूसी कर रहा था जिसकी सजा उसको दे दी गई है। एनआईए ने जासूसी करने वाले श्रीलंकाई नागरिक को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया, श्रीलंका के अरुण सेल्वाराजन को कोर्ट ने आईपीसी गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और अन्य अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। अधिकारियों के मुताबिक साल 2012 में सितंबर महीने में तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तमीम अंसारी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो कि कोलंबो स्थित पाक उच्चायोग में तैनात आमिर जुबैर समेत कई पाक इंटेलिजेंस अधिकारियों के लिए जासूसी करता था। 17 सितंबर 2012 को ही तमिलनाडु के त्रिची में इसको लेकर केस दर्ज किया गया था। फिर 1 मई 2013 को एनआईए ने दोबारा केस अपने हाथ में ले लिया। फिर 10 सितंबर 2014 को एनआईए ने श्रीलंकाई नागरिक सेल्वाराजन को गिरफ्तार किया। उसने और तमीम अंसारी ने मिलकर ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर जासूसी की थी। तमिलनाडु के कई संवेदनशील जगहों और रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी निकल कर पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। 6 मार्च 2015 को चार्जशीट दायर की गई और फिर 30 मार्च 2016 को सेल्वाराजन के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर हुई। कोर्ट ने जनवरी 2018 में अंसारी और सेल्वाराजन के खिलाफ आरोप तय किए थे। सभी आरोपों में सेल्वाराजन दोषी पाया गया था, जबकि अंसारी के खिलाफ अभी भी तहकीकात जारी है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान भारत की जासूसी कराने के लिए आगे आया हो या फिर भारत के नागरिकों को उसने जासूस मानकर ही गिरफ्तार कर लिया हो। कुलभूषण का तो मामला फिलहाल जारी ही है, फिर सरबजीत सिंह को भी कोई नहीं भुला पाया है, जिन्होंने शराब के नशे में गलती से सीमा पार की लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें जासूस माना और मौत की सजा सुना दी। फिर कश्मीर सिंह को भी साल 1973 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। 35 साल तक पाकिस्तान में रहने के बाद उन्हें रिहा किया गया तो भारत में उनका जोरदार स्वागत हुआ। रविंद्र कौशिक भी भारतीय नागरिक थे जो 25 साल तक पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उर्दू भाषा और इस्लाम धर्म के बारे में विशेष शिक्षा के बाद उन्हें नबी अहमद शाकिर नाम से पाकिस्तान भेजा गया। साल 2001 में उनकी मौत हो गई और राम राज्य भी तो भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है, वो किसी न किसी तरह भारत की गतिविधियों के बारे में जानने की इच्छा रखता आया है। जैसे अभी सार्क देशों के प्रमुखों ने रविवार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, लेकिन पाकिस्तान ने यहां भी कश्मीर का मुद्दा उठाने का प्रयास किया। पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर में सभी तरह की पाबंदियों को हटा देना चाहिए, जबकि पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस की वजह से लोग खुद पर पाबंदियां लगा रहे हैं, खुद को घरों में कैद कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम लोगों के संपर्क में आए और इस संक्रमण को फैलने से रोकने में सफलता हासिल करें। लेकिन पाकिस्तान ने जब यहाँ भी बिना सिर पैर की बात की तो उनके इस रवैये को अशिष्ट बताया गया और पाकिस्तान पर मीटिंग के बहाने राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा।